सुबह ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फ़ोटो पोस्ट की। फ़ोटो देखने के बाद लोग चौंक गए और ज्योति सिंह को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, क्योंकि उनके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी था। लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उन सभी की कॉन्ग्रेचुलेशन पर तब पानी फिर गया जब लोगों ने ये देखा कि ज्योति सिंह ने कैप्शन में ये लिखा है, मासी लव। जी हाँ, यानी कि ये ज्योति सिंह के बहन का बच्चा है और अपने बहन के न्यू बॉर्न बेबी के साथ ज्योति सिंह ने ये पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसके बाद पवन सिंह के फैंस थोड़े गलत फहमी में हो गए। उन्हें लगा ये पवन और ज्योति का बच्चा है, लोग इसे कुछ और ही समझ बैठे और ज्योति सिंह को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। लेकिन कई फैंस ने तो ये पूछा कि आप और पवन सिंह ये खुशखबरी हमें कब दे रहे हैं, हम बेताब हो रहे हैं आप दोनों से ये खुशखबरी पाने के लिए। जिस पर ज्योति सिंह का कोई जवाब नहीं आया। एज यूजुअल सभी को पता है कि पवन और ज्योति सेपरेट हैं और इस वजह से ये चीज़ें संभव नहीं हैं, लेकिन फिर भी फैंस हैं कि वो कयास लगाते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह के जीवन में कोई कमी नहीं है, सिवाय इसके कि पवन सिंह अभी तक पिता नहीं बन पाए हैं, जिसका कष्ट उन्हें होता है। पवन सिंह के घर में उनके भतीजे और भांजे हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं और पवन सिंह भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पवन सिंह को बच्चे बहुत पसंद हैं। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह के सेट पर कभी भी कोई भी बच्चा जाता है तो पवन सिंह अपनी शूटिंग रुकवा देते हैं, उस बच्चे के साथ वो थोड़ी देर खेलते हैं, उसे चॉकलेट्स देते हैं या फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, तभी वो वहाँ से उसे जाने देते हैं। लेकिन पवन सिंह के जीवन में ये बहुत बड़ी कमी है इसकी कमी पवन सिंह को हमेशा सालती है। लेकिन यहाँ पर ये कहना सही होगा कि ईश्वर सभी को सब कुछ नहीं देता, किसी को कुछ न कुछ कमी ज़रूर दे देता है। हाँ, लेकिन पवन के जीवन से ये कमी भी तब दूर हो जाएगी जब ये कपल पवन और ज्योति साथ रहने लगेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।